हाय दोस्तों, ये लीजिए ग्राइंडर कर रहा हूँ मैं, इसके साथ को ट्रेलर, ये लोहे की ब्लेड है, इसको चला दें। इसके चलाने के बाद धीरे इसके ऊपर की ब्लेड रखी है, इससे इसको मोड़े खुला हाफ मोड़े हो गए, इससे देखिए थोड़ा थोड़ा चिकना हो रहा है, साफ होते जा रहा है, ऐसे ही फिराते इस तरह ही फिराते। अरे ये साफ हो रहा है, ये साफ होने के लिए देखिए ये साफ हो रहा है, अच्छा है, क्लोज भी साफ। देखिए और एक ब्रेक गिरा रहा हूँ, ये इसे और थोड़ा स्मूथ होता है, शाइनिंग आती है। देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और ये साफ हो रहा है। देखिए एक मिनट में वैसे निकाल के बताता हूँ, फ्रेंड साइड से बताता हूँ। इस तरह से ये नंबर्स रहते हैं ब्लेडों के, ब्लेडों के नाम रहते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, अगर छः नंबर तक रहते हैं। इसको करने के बाद अगर फोल्ड करने के लिए स्मूथ होता ही है, इसके बाद अपने को साफ हो गया है, ये पूरे ब्लेडों के लिए नहीं बता सकता मैं अभी, तो थोड़ा बता सकता हूँ क्योंकि पूरे ब्लेड बताने से टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है इसको, तकरीबन एक दिन लगता है ये ऐसा कटने में। और ये स्मूथ हो रहा है, पूरे एक दिन की मेहनत रखी है इसके पीछे। और दीजिए फ्रेंड से, देखिए स्मूथ हो रहा है, लाइट लाइट स्मूथ हो रहा है। इसके बाद और एक, ये तो तीन नंबर ब्लेड है, इसके बाद चार नंबर, फिर इसके बाद पांच नंबर, इसके बाद छः नंबर। ये छः नंबर ब्लेड होने के बाद उसकी जो शाइनिंग रहती है ना, वो आ जाती है, एकदम साफ शाइनिंग वाला आता है। इधर से थोड़ा करावा हुआ है, देख लीजिए इधर से साफ हो गया है, बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है। ये देखिए कैसी शाइनिंग हो चुकी है मास, तकरीबन एक दिन के बाद हो चुका है पूरा साफ। देखिए कैसा चमक रहा है, फुल शाइनिंग आ चुकी है इसमें, इसमें ही पूरी शाइनिंग आ चुकी है। इसको यस और ये खिड़कियों के पास भी ऐसी कराया हूँ मैं, ये खिड़की के पास भी। और एक मिनट,
ये खिड़की है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।